शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने इसको असखुद बना लिया है? नहीं, बल्कि वो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है ताकि तुम उन लोगों को हिदायत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया, ताकि ये रस्ते पर चलें। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को और जो चीजें इन दोनों में हैं सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। उसके सिवा तुम्हारा न कोई दोस्त है और न सिफारिश करने वाला। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? वही आसमान से जमीन तक के हर काम का इंतजाम करता है, फिर हर काम एक रोज जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 बरस होगी उसकी तरफ रुजू करेगा। इसी शान का है वो खालिक जो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है, गालिब है, बड़ा मेहरबान है। वही जिसने हर चीज को बहुत अच्छी तरह बनाया, यानी उसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर उसकी नस्ल एक किस्म के खुलासे से यानी हकीर पानी से बनाई, फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो और कहने लगे कि जब हम जमीन में मलिया मेट हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। हकीकत यह है कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने जाने ही के कायल नहीं। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे और तुम ताज्जुब करो जब देखो कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए होंगे और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमने देख लिया और सुन लिया, तू हमको दुनिया में वापस भेज दे कि नेक अमल करें, बेशक हम यकीन करने वाले हैं। और अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से यह बात करार पा चुकी है कि मैं दोजख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था, आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछौनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपाकर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो नाफरमान हो? दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके रहने के लिए बाग है। ये मेहमानी उन कामों की जजा है जो वो करते थे, और जिन्होंने नाफरमानी की उनके रहने के लिए दोजख है। जब चाहेंगे कि उसमें से निकल जाएं तो उसमें लौटा दिए जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि जिस दोजख के अजाब को तुम झूठ समझते थे उसके मजे चखो, और हम उनको कयामत के बड़े अजाब से पहले दुनिया के अजाब का भी मजा चखाएंगे, शायद वो हमारी तरफ लौट आए। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयतों से नसीहत की जाए तो वो उनसे मुंह फेर ले। हम गुनाहगारों से जरूर बदला लेने वाले हैं। और हमने मूसा को किताब दी तो तुम उनसे मुलाकात होने से मुतालिक शक में न होना, और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए जरियाए हिदायत बनाया था, और उनमें से हमने पेशवा बनाए थे जो हमारे हुक्म से हिदायत किया करते थे जबकि वो सब्र भी करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार ही उनमें जिन बातों में वो इख्तिलाफ करते थे कयामत के रोज फैसला कर देगा। क्या इनको इस अम्र से हिदायत न हुई कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को जिनके रहने के मकामात में ये लोग चलते फिरते हैं हलाक कर दिया? बेशक इसमें निशानियां हैं, तो ये सुनते क्यों नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीन की तरफ पानी रवां करते हैं, फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिसमें से इनके चौपाए भी खाते हैं और ये खुद भी खाते हैं? तो ये देखते क्यों नहीं और कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो ये फैसला कब होगा? कह दो कि फैसले के दिन काफिरों को उनका ईमान लाना कुछ भी फायदा न देगा और न उनको मोहलत दी जाएगी।
तो उनसे मुंह फेर लो और इंतजार करो, ये भी इंतजार कर रहे हैं।